अस्सलामुअलैकुम। तो हम लोग है ना फाइलम कोर डेटा हमारा अभी तक कंटिन्यू है। हमने इसके कोर डेट के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट दिया था, चार इसके इंपॉर्टेंट करेक्टर होते हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था। तो मतलब अब इसके कोर डेटा के करेक्टर जो अहम करेक्टर होते हैं जिनमें मतलब पता लगता है कि इनकी बॉडी कैसी है, तो इनमें पहला करेक्टर है बायलेटरल सिमेट्री। इनकी बायलेटरल सिमेट्री आती है, यानी सिमेट्री कहते हैं बॉडी शेप को। इनकी बॉडी शेप कैसे होती है, इक्वली जो डिवाइड हो सके, जैसे ह्यूमन बींग हम इक्वली डिवाइड हो सकते हैं। जैसे हमारी एक आईज इस तरफ जाएगी लेफ्ट और एक राइट, एक हैंड हमारा राइट जाएगा एक लेफ्ट जाएगा, एक हमारा जो ईयर है लेफ्ट जाएगा एक राइट जाएगा। तो मतलब बायलेटरल सिमेट्री यानी इनको हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनकी लेयर्स, ये थ्री लेयर से मिलके बने होते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन बींग भी थ्री लेयर से मिलके बने होते हैं, एक्टोडर्म मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। जैसे हमारा मतलब प्रोसेस होता है ना एम्ब्रियोलॉजी में, एम्ब्रियोलॉजी में हम पढ़ते हैं गैस्ट्रोलेशन, तो मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये। कुछ ऑर्गेनिज्म हमने पीछे हम लोग जो टॉपिक में डालूंगी अपने यूट्यूब पर वीडियोज, जैसे हमारे जो रहते हैं फाइलम नेडेरिया, वो तो हमारे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं इस तरीके से, मतलब इन वर्टिब्रेट्स। ये तो वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे हम टोटली इसमें सारे। इनमें बॉडी कैविटी मौजूद होती है, यानी इनकी बॉडी कैविटी कह लें अंदर वाली जो बॉडी होती है इनकी वो। और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है, यानी इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम मुकम्मल होता है। इनमें इंटरनल ऑर्गन्स मौजूद होते हैं अंदर।